नमस्कार, मैं हूं दबांजलि मोइत्रा। फटाफट क्रिकेट के ज़माने में टेस्ट क्रिकेट के चाहने वाले कम ही नज़र आते हैं, लेकिन जो क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं वो आज भी टेस्ट क्रिकेट के दीवाने। वो जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रतिभा की परीक्षा, गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच एक कड़ा मुकाबला टेस्ट में ही दिखाई दे सकता है। 18 जून से 22 तक साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में दर्शकों को ऐसी ही कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली। आईसीसी फाइनल मुकाबले के लिए पिच भी उसी हिसाब से तैयार कर रही, जिससे कि मुकाबले के दौरान गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पिच क्यूरेटर सिमोन ली ने हाल ही में बताया कि पिच में पेस और उछाल रहेगा, जिससे क्रिकेट फैंस को गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। ली ने कहा, दोनों टीम के लिए ये न्यूट्रल वेन्यू, इस कारण आईसीसी के निर्देश अनुसार ऐसी पिच तैयार की जा रही जो दोनों टीम के लिए बराबर। हम सभी दोनों टीम के बीच बराबरी का मुकाबला भी देखना चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसी पिच चाहता हूं जिस पर कैरी, बाउंस और तेजी हो। ली ने आगे कहा, हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में ज्यादातर मौसम अनुकूल नहीं होता और उससे कोई मदद नहीं मिलती। ऐसे में मेरे मन मुताबिक पिच बनाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन इस बार मौसम विभाग की माने तो फाइनल के दौरान अच्छा मौसम रहेगा और तेज धूप रह सकती। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिना ओवर रोलिंग किए हमें हार्ड पिच ज्यादा गति मिल सकती। आपको बता दें कि रेड बॉल क्रिकेट में पिच का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आईसीसी मुकाबलों को छोड़ दें तो मेजबान टीम टेस्ट के दौरान अपने हिसाब से पिच तैयार करवाती, जिससे कि विरोधी टीम को आसानी से मात दे सके। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की जिम्मेदारी आईसीसी पर है, ऐसे में आईसीसी ही पिच तैयार करवा रही। वहीं इंग्लैंड की पिचें तेज और उछाल भरी होती, जहां गेंदबाजों को फायदा मिलता है, लेकिन इस बार ऐसी पिच बनाई जा रही है जहां गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच बराबरी की टक्कर होगी। इस विषय में ली ने बताया, पेस हमेशा ही रेड बॉल क्रिकेट को रोमांचक बनाता है। मैं भी क्रिकेट फैन हूँ और ऐसी पिच बनाना चाहता हूँ जहाँ क्रिकेट फैंस हर बॉल को देखना पसंद करें और मजा लें, चाहे क्लास बैटिंग हो या एक शानदार बॉलिंग स्पेल। जब बॉलर और बैट्समैन के बीच कड़ी टक्कर होती, तब एक मेडन ओवर देखना काफी रोमांचक होता है। यही कारण है कि पिच पर थोड़ी गति और उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम पिच को एक तरफा गेंदबाजों के लिए नहीं बनाना चाहते, इससे सभी खुश भी हैं। आपको बता दें कि इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें खिताबी मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों ही टीमें इस समय इंग्लैंड में हैं और 18 जून का इंतजार कर रही। वहीं न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से हरा कर आ रही, जबकि इंडियन टीम फाइनल की तैयारी के लिए आपस में ही प्रैक्टिस मैच खेल रही।